हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संगीता। और आफ्टर गिविंग माय एग्जाम, लुक एट दिस डार्क सर्कल। आई गॉट दिस बिफोर माय प्रेपरेशन एंड ड्यू टू माय प्रेपरेशन एंड नाउ आई एम इन धर्मशाला। सो दिस इज नड्डी विलेज विच इज ओनली 3 kilometers अवे फ्रॉम मैक्लोडगंज एंड इट इज लोकेटेड एट द एल्टीट्यूड ऑफ 2000 meters अबव फ्रॉम द सी लेवल इन द अपर रीचेस ऑफ द कांगड़ा वैली। So those who have given prelims, they must have seen this Kangra Valley question in the GS part, right? So this is the view of Dholadhar mountain range to the north and lush green Kangra Valley to the south. Na sundar hai Dharamshala, main kya batau? Mountain tops pe kaise barf padi hui hai, wo dikh rahi hai aapko? Wo dekho, bori main aapko na back camera karke dikhati hu। तो ये इतना सुंदर था। एंड इफ यू टॉक अबाउट जियोलॉजी, दिस रिज लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज एरीट एंड द टॉप ऑफ इट इज हॉर्न। बहुत ही सुंदर है। इनफैक्ट रात में देखना था, ऐसा लग रहा था कि तारे चमक रहे हैं, क्योंकि ये घरों में लाइट जल रही थी और इट फील्स लाइक कि वहाँ पे हमने वो होता है ना, दिवाली पे हम लोग लड़ियाँ लगाते हैं, वैसा वाली फीलिंग आ रही थी। आई हैव दीज टू कंपेनियंस विद मी हु आर इन्जॉइंग दिस व्यू ऑल्सो। वो उसको भगा रहे हैं, वो गाय आ गई है उनके खेत में तो उसको भगाना ज़रूरी है। प्लानिंग की हमें कहाँ जाना है, देखते हैं हम कहाँ जाते हैं। कल ये लोग जा चुके हैं और अभी मुझे जाना है, उसके बाद आई विल लीव फॉर माय जॉब प्लेस विच इज गुरदासपुर। वो देखो यार, सुंदर है ना कितना। वाह। तो ये साउंड हीलिंग मेडिटेशन के लिए यूज़ करते हैं और हम उसको चलाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें वो साउंड मिले, बट ये अभी भैया बताएंगे कैसा साउंड है, सुनना। ओके। तो इन्होंने हर पॉइंट्स पे ना टेलीस्कोप रखे होंगे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मिल जाएंगे। वहाँ पे यू हैव टू पे 10 rupees और 2-3 आपको व्यूज दिखाएंगे वो, तो आप देख सकते हो। पहाड़ों में आए और मैगी नहीं खाई तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो उसी प्रथा को हम फॉलो करते हैं। वी वर ऑल्सो हैविंग मैगी और इतना सुंदर व्यू था ना सामने, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने एक पिक क्लिक करी है उसके साथ। आई वॉज सो सैड व्हेन आई केम बैक आफ्टर गिविंग माई प्रीलिम्स। My answers were wrong, like some answers were wrong and I was like very disheartened. So I just wanted to go at some place and sit quietly for some time and just hear the shayari which I created at that time. जैसे ही पानी की धारा को कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही समय को कोई नहीं रोक सकता। तो जैसे ये पानी की धारा बहती जा रही है, इसी तरह हमें भी वक्त के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरे को कंपनी देने आई। सो शी केम एंड शी और ही, आई डोंट नो, एंड इट टोल्ड मी दैट डोंट गेट डिसहार्टेंड, यू डोंट नो व्हाट इज रिटन इन योर फीट। सो नाउ फाइनली द रिजल्ट इज आउट नाउ, सो लेट्स प्रे फॉर द मेंस, दैट लेट्स क्वालिफाई मेंस टुगेदर। आई विश यू ऑल द बेस्ट, प्रिपेयर वेल फॉर द मेंस। थैंक यू।